नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे हैं गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आज पूरा विश्व कोरोना वायरस से पीड़ित है। भारत देश में भी कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन किया गया है। 52वें दिन लगातार चल रहे लॉकडाउन के कारण लोग अन्यत्र फंस गए हैं। इसके अलावा कामकाज ठप होने के कारण अन्य राज्यों में कार्यरत मजदूर बेरोजगारी की स्थिति में पलायन करने को मजबूर है, जिसे देखते हुए सरकार ने उन लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन शुरू किया है, जिससे वे अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सके। इसी क्रम में आसनसोल स्टेशन पर 06046606 श्रमिक स्पेशल ट्रेन का ठहराव हुआ। इस दौरान आसनसोल रेल प्रबंधन और आरपीएफ की मुस्तैदी देखी गई। साथ ही ट्रेन के रुकते ही आसनसोल रेल प्रशासन द्वारा ट्रेन के शौचालय और पूरे ट्रेन को अच्छे से सफाई कर सैनिटाइज किया गया। 04606 ASR BDC श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों को पानी, भोजन आदि की व्यवस्था भी की गई। आरपीएफ के जवानों ने यात्रियों का खूब बेहतर तरीके से ख्याल रखा, जिससे यात्रीगण काफ़ी खुश दिखे। वहीं यात्रियों ने कहा कि आसनसोल रेल प्रबंधन और आरपीएफ का बर्ताव काफ़ी सराहनीय रहा। ट्रेन के रवाना होने के समय यात्रियों ने आरपीएफ जिंदाबाद के नारे लगाए और हाथ हिलाकर आरपीएफ जवानों का अभिवादन भी किया। তোর নাম কি? কোথার থেকে আসছো তুমি? যাবে কোথায়? এই যে করোনা পজিটিভের যে পজিশন এখন পুরো বিশ্বে, এতে আরপিএফ কর্মীরা আপনাদেরকে যে সহায়তা দিচ্ছে, জল, খাবার, স্যানিটাইজ করছে, এই বিষয়ে তোমার কি কথা বলার আছে? आपके मैडम कहाँ से आ रहे हैं आप? एलपी। कहाँ जाना है आपको? खड़गपुर, वेस्ट। ये जो कोरोना पॉजिटिव चल रहा है अभी पूरा विश्व में, इसमें आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, इसमें आरपीएफ कर्मी ने आपको सहायता कर रहा है, पानी दे रहा है, खाना दे रहा है, सैनिटाइज कर रहा है, इसमें आपको क्या कहना है? हाँ जी, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म जैसे पटना वगैरह में हमें खाने के लिए भी मिला था, ब्रेड वगैरह, पानी वगैरह टाइम टू टाइम आ रहा है। मैंने आप खुश है इससे? हाँ जी। इसमें आपको बहुत अच्छा लग रहा है? रेलवे प्रशासन की तरफ से जो भी सुविधा आपको मिल रहा है अच्छा लग रहा है आपको? सब सैटिस्फैक्टरी, सैटिस्फैक्टरी है। थैंक यू, थैंक यू। की नाम भाई अपना? हमारा रजत शुभ्र दास। कोथा थेके आसछेन आपनी? हमरा आसी अमृतसर थेके। जाबेन कोथाय? ब्यांगलोर। আচ্ছা, এই যে করোনা এখন চলছে পুরো বিশ্বে, এর জন্য যে আরপিএফ কর্মীরা এখানে যুদ্ধের মতো কাজ করছে, তাতে এর মধ্যে আপনার কি বলার আছে? এটা নিশ্চয়ই করা উচিত এরকম, কারণ কি কোনো লোকজন বাইরে না বেরোলে এখানে সবসময় আরপিএফ বা কোনো এলাকায় আরপিএফ থাকা উচিত। ঠিক আছে।